गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 11 और रचना कह रही है आज मैं पूजा करूंगी, बन तो है नहीं रहा, उससे देखते हैं कितना कर पाती के लिए, क्योंकि उसको बेड रेस्ट 2 दिन हो गए बेड रेस्ट पे। आज हमारे यहाँ की लिफ्ट बंद है तो मैं तो सीढ़ियों से आ रहा हूँ। तो बड़ी मुश्किल से नहाए हैं आज, 11 से देव उठनी, 11 से श्रीहरि विष्णु योग निद्रा से उठेंगे और फिर आज से सब मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। तो तुलसी विवाह की पूजा कर रही रचना जितना उसको समझ आ रहा है, बीमार है। मैं पूरा करती लेकिन इस बार मैं कम ही कर रही हूँ क्योंकि मुझसे हो नहीं पाया। आप कर रहे हो ये बड़ी बात है, कल आप दिन भर बिस्तर से नहीं उठे हो ना परसों उठे हो, कल का कुछ ब्लॉग मैंने भी शूट नहीं किया है क्योंकि मुझे सर्दी क्या है, एलर्जी हो गई लगता है, मौसम चेंज हुआ है तो। और मैडम कैसे हैं आपका? तो दोस्तों आप सभी को देव उठनी 11 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तुलसी जी का विवाह होता है शालिग्राम जी से, जो विष्णु जी का ही प्रतीक है। पूरी रस्म रिवाज आती है मुझे, मैंने लास्ट टाइम किया था बट इस बार सिर्फ नॉर्मल पूजा की है। और आज 11 है तो चावल नहीं बनते हैं, तो प्रसाद में मैंने मखाने की खीर बनाई है क्योंकि लक्ष्मी जी को भी मखाने बहुत पसंद है, तो प्रसाद में आज यही बन रहा है। तो दोस्तों रचना बहुत दिनों बाद आज गीत को लेने आ रहा है, कुछ मैडम से बात करनी है रचना को एग्जाम के सिलसिले में। एग्जाम के रह गए रचना और रचना की मम्मा, अच्छा सॉरी गीत और गीत की मम्मा दोनों ही चिंतित हैं। कल गीत भी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना तो मैं अपने बी के सेमेस्टर में नहीं पढ़ा जितना ये दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, और नर्सरी में ये हाल है तो आगे चल के क्या होगा, मतलब कि जब 10th के बोर्ड आएंगे या 12th आएंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम आएंगे, ये लोग तो पागल कर देंगे मुझे। मत स्ट्रेस ले यार, पास नर्सरी में फेल तो कोई स्ट्रेस नहीं ले, मैडम से क्या मिलेगा, मैम ने बुलाया है तो मिलना, जब बुलाया ऐसा बोलना मुझे लग रहा है मिलने, सिलेबस वगैरह अभी एक और बच्चा आएगा तो वो क्या बोलेगा फिर, मम्मा आई डोंट वांट एनी स्ट्रेस इन माय लाइफ, देयर इज मैं मिडिल क्लास में पैदा हुआ हूं, मुझे सर स्ट्रेस क्या चाहिए। चलो गाड़ी निकालते, गाड़ी कहां रखी मुझे याद ही नहीं, बहुत दिन हो गए। तो हम तो भूल गए गाड़ी कहां पार्क करी थी यार, मिली नहीं रही यार। एक तो ये हमारा रिमोट भी काम नहीं, इसका ये सेंसर काम नहीं कर रहा, ये तो खड़ी करी यार, एक तो इतनी गंदी होगी दिखी नहीं रही, देखो दिखी नहीं रही, वो तो साफ करने को बोला था, उसको साफ क्यों नहीं करी यार, कैसे निकल जाएगी ये। नर्मदा पाइपलाइन का काम चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है ऐसा लग रहा है, तो चक्कर में बड़ी दिक्कत आती है। कहाँ रचना को जूस का बोल दिया, तो जूस पिलाने आए मैम, सागर जूस, ये देखो सागर जूस पिलाएंगे, सागर जूस पे जूस पियेंगे, ये जूस पीना है, दीदी भी पी रही है, हाँ दीदी पी अच्छा अच्छा काई गंदे पापा, उसमें क्या गंदा कर दिया मैंने। दोस्तों मैं निकलता हूँ ऑफिस, बज गए 2:30 बज गए बल्कि, आज हाफ डे लगेगा मेरा क्योंकि आज 11 थी, तो घर में झाड़ू पोंछा भगवान को पूजा करना ये रोज़ होती है मगर अच्छे से नहीं होती थी, पोंछा तो मैं 2 दिन बाद लगाया आखिरकार, तो ठीक है अब जाना पड़ेगा, लेट हो गया, गेट को लेके जाना था मगर ये रचना ने फालतू प्रेम करने के चक्कर में लेट करा मेरे को, हगिंग करेंगे कोई बात होती क्या यार, नहीं देखो तो देख के आना, और बजना लेट हो रहा हूँ 2:30 बज गए मैं जाता हूँ भाई, छिची चिची कर ली पापा निकल जाते तो कौन साफ करता, चिची चिची करी
चिट्ठी तो अपन वहाँ जाते ना दोस्तों, कभी जाती है कभी नहीं जाती। अभी स्कूल से आई है तो कल तो गई थी, अंदर जाती है कभी नहीं जाती, भूल जाती है, उसको याद है या प्रैक्टिस नहीं है, सुस्त जाने लगी है। चलो कोई बात नहीं, आपकी चिट्ठी साहब गीत की प्रैक्टिस चल रही है, पेपर की तैयारी चल रही है ना। गीत आ ए बी सी डो ई। चलो पापा के पास फोन आ रहा है, पर बाद में बात करते। तो देख लो दोस्तों, अभी हम आए चाट खाने। रचना का मन हो रहा है कि चाट खानी है, तो अभी से ही क्या कहते हैं उसको, क्रेविंग अभी से थोड़ी होती है, वो जनरल मन है, घर में जनरल मन है, क्योंकि बाहर से बाहर निकल रहे हैं तो फिर आए गीत बिना सूच के आ गए, सो रहे थे। तो अभी चाट खाते हैं, पानी पूरी नहीं खाई है। नहीं आया बैंड बजाने, तो मुझे अभी से बताओ, तो मुझे ऑफिस नहीं जाने दिया है, मैं जा रहा था 3 बजे, तो कहते रहने दो मत जाओ, आज 11 से घर पर रुकते हैं, तो मैं ऑप्शनल छुट्टी मिल जाएगी, तो फिर ऑप्शनल छुट्टी ली। सुकून मिला, वाह बापरे, दोस्तों क्या कह रहे, मेरे हाथ में खा के बोर हो गए। मोनोटोनस खाना ये बहुत अच्छा है सदाबहार तुम्हारा। अरे थोड़ा मुंह का स्वाद तो बदला। तो पढ़ाई एग्जाम की तैयारी चल रही है जोर शोर से। गीत एग्जाम कब से? गीत एग्जाम कब से? कब से एग्जाम? कब से? 1 2 3 पढ़ लिया पूरा? एबीसीडी बता दो, एबीसीडी पढ़ के। ओके 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 एच आई जे जे ओ एम एन ओ पी ओ आर एच टी बू वी ओ एच वाई डी। ओ मेरे बच्चों को नजर नहीं लग जाए यार। 11 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
मैं आधा घंटे से पूछा रचना क्या बनाऊं खाने में, वो रचना जवाब नहीं कर पा रही, ना मैं डिसीजन ले पा रहा हूँ कि क्या बनाऊं खाने में। गीत अपनी पढ़ाई की टेंशन हमको नहीं दे रही, खुद ही पढ़ रहे हैं। ये बता दो भाई, ये क्या है? क्या है? रेड है। तो दोस्तों देखा रचना को, आज दिन भर घूमी फिरी मगर वो थक गई, तो जल्दी सो गई, 8:30 बजे सो गई। और अब खाना खिलाता हूँ, उठा के उसको खिचड़ी बनाई है, वैसी बाहर खा लिया उसने, चाट वगैरह पानी पूरी खाई थोड़ी सी, और ठीक है आज दिन भर उसने ऐसे एक्टिव रही, इतना ही रहे ठीक है, पर 2 दिन बाद तो उठी थी वो बिस्तर से। चलो मैं ब्लॉग मुझे लगता है यहीं रखते हैं और मिलते हैं कल। अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, क्रेजी इंदौरी कपल को। और जय माता दी।